नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आतुप्रिया आर्य। चलिए अब केपी एक्सप्रेस कर्नाटका की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। हुबली में सड़क दुर्घटना में 8 की मौत, कई घायल, इलाज जारी। बेंगलुरु, 5 साल से हत्या का फरार आरोपी, एफबी पर सेल्फी लेने के बाद गिरफ्तार। निर्णय का पालन करते हुए बीएसवाई के बेटे ने एमएलसी चुनावों के लिए टिकट से वंचित होने पर समर्थकों से कहा, किसी पद का लालच नहीं। व्हाट्सएप हेल्पलाइन बेस्कॉम उपभोक्ताओं को जोड़ेगी। बीबीएमपी ने मंकी पॉक्स के इलाज के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। लक्षणों को देखने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। एमएलसी चुनाव, अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों से समझौता। बेंगलुरु पीयू कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, संस्थानों ने महामारी से प्रेरित पढ़ाई के गैप को कम करने पर किया ध्यान केंद्रित। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री नागेश का कहना है कि हम बच्चों को असली इतिहास पढ़ाएंगे। पूरे कर्नाटक में 166 अस्पताल के फायर ऑडिट के लिए 82 लाख रुपए। अस्पष्ट आरोप, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दहेज मामले को खारिज किया। कर्नाटक कांग्रेस महासचिव ने पार्टी को पितृसत्ता बताया। पाठ्यपुस्तकों का भगवाकरण न करें, माता पिता ने कर्नाटक सरकार से आग्रह किया। डॉक्टर प्रभाकर कोरे को इंडो अमेरिकन प्रेस क्लब अवार्ड। हम्पी में नकली गाइडों द्वारा स्मारकीय नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के लिए जब्बार और यादव को मैदान में उतारा। कर्नाटक सरकार एक डिजाइन नीति तैयार कर और लागू करने के लिए तैयार है और दुनिया के सबसे बड़े डिजाइन उत्सव की मेजबानी करेगी, मंत्री अश्वथ नारायण ने बताया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, शिव कुमार ने कहा। 21 दिसंबर से मुरबिद्री में वैश्विक सांस्कृतिक जम्बोरी 2022 शुरू होगी। शहतूत से मुंडे आकर्षित कर रहे रामनगर में स्वयं सहायता समूहों के लिए पर्यटन लेन खुली। चिकबल्लापुर, चिंतामणि में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए, कोई हताहत नहीं। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।